हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, नहीं मतलब ठीक हूँ। मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे तबीयत कुछ नहीं है, मतलब जुकाम बुखार इसी का सीजन चल रहा है। तो मुझे ना कल रात में, मतलब एक दिन पहले से ही जुकाम बहुत हो गया था, तो उसी से बुखार आ गया था। तो इतना जुकाम हो गया कि मुझे कल रात में ना 9 बजे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना पड़ा। तो अभी सुबह की ना 10, 10:30, 11 बजने वाले हैं और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मुझे दवाई खानी तो खाऊंगी। और जुकाम क्या है ना कि मुझे जल्दी हो जाता, कुछ भी अगर उल्टी सीधी चीज़ें खा ली थी ना, जो इन्फेक्शन है, तो मुझे जल्दी इन्फेक्शन हो जाता। तो इस वजह से मैं जुकाम से बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा जुकाम जल्दी होता मुझे बहुत। तो अभी ना बस तबीयत, मतलब शाम के खा लिया था, दवाई खा ली थी और अभी भी खानी, और मुझे थोड़ा ना सफाई भी करनी है। देखो सफाई का क्या है, वो तो चाहे कुछ बीमार हो, हाउसवाइफ का क्या होता है, बीमार हो या कुछ भी हो, काम तो उसे करना ही होता है। तो काफ़ी टाइम से एक भंडेरिया, जो आप अगर लोग जानते होंगे भंडेरिया है, तो उसमें झाड़ू नहीं लगाई काफ़ी टाइम हो गया, तो धूल हो गई उसमें। और उधर इन्वर्टर वगैरह और जो बेस्ट सामान होता है, यूज नहीं आता, कभी कभार आता, तो उसको मैं वहाँ से रख देती। तो पहले मैं दवाई खा लूँ, उसके बाद उसको सफाई करूँगी। और अभी ना मुझे छत पर भी कपड़े डालने वाला, तो कपड़े डालूँगी। और बेटी चली गई स्कूल और हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, तो अभी मैं बस दवा खा के अपना काम शुरू करूँगी। और आज ना मैंने हेयर स्टाइल कुछ अलग ही बनाई, तो कैसी लग रही है आप लोगों को? सच में बड़ा मस्ती होता है। कल तो हम खाना बनाना ये लग रहा था, कौन बनाया, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बट अकेले नहीं रहते तो खाना तो बनाना ही होता। और मुझे कपड़े डालने भी जाना, कपड़े कपड़े डालने जाऊंगी। कपड़े डाले, पहले मैं सोच रही कपड़े डालो, उसके बाद ही फिर मैं सफाई करती हुई भी लगी। और यहाँ से एक दिखाई दे रही बॉक्स दिखाई दे रहा, वहाँ से जाना होता, पर आदत हो गई, चली जाती हूँ। अभी जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ छत पर, और मैं ना चादर एक एक करके धुलती रहती, तो एक साथ नहीं होते। और मैं मशीन ना बहुत ही कम लगाती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, बेडशीट वगैरह या कुछ गंदे, तभी लगाती हूँ, वरना अधिकतर मैं ना हाथ ही से धुलती हूँ। धीरे धीरे धुलती रहती तो एक साथ कपड़े नहीं होते, तो मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। और बदल आप देख रहे हैं, या चाहे कभी भी पानी आ सकता है, बट कोई नहीं, सूख ही जाएंगे। तो ना पानी वगैरह बदल है, तो बहुत अच्छा मौसम है। अभी ना मैं छत पे आई हुई हूँ, इतने अच्छे फूल खिले। कपड़े डाल के आ गई हूँ, और ये देखिए मैं भंडारिया के अंदर भी जा चुकी हूँ। और अंधेरा है तो पता नहीं, मतलब आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है वीडियो। कोई नहीं, आज मैं कबाड़ से लगाने वाली हूँ जुगाड़ अपने पौधों के लिए। इनको ना मैं पेंट करूँगी, मैं पेंट रखी हुई है यहाँ पे, और आपको इन पर ना पेंट करके दिखाऊंगी कि कैसे लगेंगे पौधे। तो हमारे घर में जो पेंट के लिए डिब्बे आते हैं, तो मेरे पास बहुत रखे हुए हैं, अभी इतने मैंने निकाल लिए, वो पहले भी लगे हुए थे। और मैं इनको भी कलर करके फिर आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास कुछ भी पॉट वगैरह नहीं है, तो अगर आप लेना भी नहीं चाहती बाहर से या फिर जो भी हो, तो आप इन्हीं में पेंट कर सकते हो। मेरे पेंट भी रखा हुआ था, तो मेरे पास 2 कलर का पेंट है, तो देख सकते हैं, मैं इन्हीं को पेंट करके दिखाऊंगी और कितना प्यारा लुक आएगा। तो मैं इसमें नीचे डिब्बों में होल कर लूँगी, ताकि जो हमारा पानी एक्स्ट्रा होता बाहर निकल जाए, वरना क्या होता कि इसी में अंदर बना रहता तो पौधे सड़ जाते। तो मैं आपको पेंट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप भी वेस्ट मटेरियल का यूज करके अपने पौधे लगा सकते हैं।
और बगल में मेरी सिस्टर बैठी हुई थी तो मैं उसी से बातें कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसी तरह से डिब्बे पेंट कर लूँगी। और जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप ले सकते हैं। इवानस जो हम गेट पर पोतते हैं वही वाला डिब्बा था, तो मेरे पास रखा हुआ था। मतलब दिवाली पर जब हम लाते हैं तो बच जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसका यूज कर लूँ। तो मैं जल्दी से सारे डिब्बों को पेंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पेंट कर लूँगी उसके बाद मेरे सारे डिब्बों पर पेंट हो गया, पर धूप नहीं है तो सूखे नहीं है, मुझे बहुत टाइम हो गया। उन्होंने उस पर हल्का सा डिजाइन भी कर दिया, देखते हैं आपको कैसे मतलब पसंद आता है कि नहीं। कबाड़ से जुगाड़ कर दी मैंने और इन्हीं में मैं ना पौधे लगाऊंगी और आपके ना बहुत अच्छे से ग्रो भी होते। मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्हीं जो हमारे डिस्टेम्बर के डिब्बे होते हैं उन्हें कैसे यूज करें। मेरे जितने भी हैं डिस्टेम्बर के जो डिब्बे होते हैं कि 1 लीटर के जो हम लाते हैं, आसानी से आप कुछ भी प्लांट लगा सकते हैं उसमें, और धूप में रखे तो भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। और भी जो अगर हम डिब्बे वगैरह यूज करते हैं ना तो उनमें क्या होता कि टूट जाती अगर धूप में रखते तो धूप से ख़राब हो जाती। पर इन डिब्बों को ना जो डिस्टेम्बर के डिब्बे होते बहुत ज़्यादा मजबूत होते, चाहे जैसे धूप में रख के रहे टूटते फूटते नहीं है, चाहे जैसे खिसका लो, और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं पौधे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पौधे जो मेरे लगे हुए हैं इन्हीं में, उसी डिब्बे में लगा हुआ है। और एक देखिए मैंने इसी डिब्बे में एलोवेरा लगा दिया, और मैंने इसी तरह से यही आज ही पेंट किया है इसको, इसी तरह से पेंट किया। और ये देख सकते दूसरा ये भी लगा, देख सकते ये भी वही डिस्टेम्बर के जो डिब्बे होते हैं ये भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और देख सकते कितना अच्छे से मनी प्लांट ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मिट्टी बन जाती है इसमें, तो आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पॉट की, जो बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको यूज कर सकते। देख सकते कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मैंने इस तरीके से पेंट कर दिए इनको और इन पर थोड़ा डिजाइन भी बना दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी धूप नहीं निकली तो टाइम लग रहा सूखने में, और सूख जाएंगे फिर मैं इनमें पौधे लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ये सारे जो भी है सब जो डिस्टेम्बर के होते हैं 1 लीटर का 2 लीटर का वही है, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई हुई कपड़े डले हैं और अभी 4:30 बज गए और बहुत ज़्यादा बदल हो रहा, देख सकते काला काला। मैं कपड़े निकाल उठा लूँगी वरना भीग जाएंगे। कपड़े रख के हम लोग ना यहीं पे बैठे हैं, मैं और हर्षू वो खेल रही है, तो बस जाएंगे नीचे। और हर्षू रानी भी पानी का पूरा मजा ले रही है और पानी भी आ गया। जा नहीं रहा। देखिए पानी बरसने लगा, तो अब अभी कपड़े रख के ना हम लोग यहीं पे बैठे थे, तो अब हम लोग जाएंगे नीचे। चले नीचे कपड़े, वरना जितने हैं सारे वो भी गीले हो जाएंगे। और ना कई दिनों से ऐसे ही मौसम है, 10 दिन हो गया, तो बहुत ठंडा मौसम है और पानी भी है मतलब बरस रहा जा रहा, तो मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है इतनी, और ऐसा ही बना रहा है मौसम तो अच्छा है, वरना बहुत गर्मी हो रही थी। चले बेटू कपड़े गीले हो जाएंगे, तो चलते हैं नीचे। हर्षू ना गिर गई तो हर्षू के पैर में लग गई, बैठी हुई है एक जगह, इतना उछल कूद कर रही थी तो लग गई इसको। और आजकल ना छत पे ऐसा लगता बैठे रहो, इसलिए छत पे ही वीडियो बन रहा है आजकल ज्यादा। लग गई, अभी नीचे चलेंगे तो दवाई। हर्षू को लग गई। अब चलो आपसे कहा नीचे चले तो आप जा नहीं रही, हमने कहा चलो दवाई लगा दे। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये हर सुरानी देखिए घूम रही।